दिल्ली के कई गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस ने केंद्र और केजरीवाल सरकार को घेरा है। बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था, अध्यादेश पर फंसे सियासी पैंच और बाबरपुर टर्मिनल का नाम बदलने की बीजेपी की पेशकश पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी से खास बातचीत की है जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा ने। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल जी, पीपीएसी की दरें बढ़ा दी गई हैं और इसका प्रतिकूल असर 200 यूनिट्स के ऊपर वाले उपभोक्ताओं पर पड़ना तय है। बीजेपी कह रही है कि बिजली कंपनियों के साथ और डीआरसी के साथ चुनी हुई सरकार की सांठगांठ है जिसके कारण ये हुआ है। आम आदमी पार्टी कह रही है केंद्र की वजह से बढ़ोतरी हुई है। देखिए, ये बार बार कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया है, झूठ बोल के लूटने का काम किया है। हम बार बार बोल रहे हैं, जहाँ सब्सिडी की बात है तो हमने पहले भी कहा है कि वाकई आप ईमानदार हो तो सब्सिडी डायरेक्ट उपभोक्ताओं के खाते में दीजिए, उसको अमल में नहीं लेके आते हैं। स्वाभाविक है, इस सब्सिडी में हिस्सेदारी है। आज जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 200 यूनिट से ज़्यादा के ऊपर उपभोक्ताओं पर ये शुल्क लगेगा, आपका वादा था तमाम लोगों को फ्री बिजली देने की, चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह से रेट बढ़ाए गए हैं और फिर दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार की वजह से रेट बढ़े, कोयला की वजह से रेट बढ़े, ये दिल्ली की जनता को गुमराह करना बंद करें। केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार और दिल्ली अरविंद केजरीवाल की सरकार मिलकर दिल्ली के उपभोक्ताओं को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो अरविंद केजरीवाल क्यों डायरेक्ट उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी नहीं देते हैं? क्यों इस तरह की जब सब्सिडी ये इसमें जब रेट बढ़ोतरी होती है तो अरविंद केजरीवाल इसको खारिज क्यों नहीं करते हैं? और प्रश्न कांग्रेस से पूछते हैं, फिर अलायंस की बात करते हैं, समर्थन लेने की बात करते हैं। तो मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं, ये डाका डालना कब बंद करेंगे? सच्चाई यही है कि प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र के साथ साठगांठ करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के उपभोक्ताओं को लूटने का काम कर रहे हैं। आपने डकैती की बात की, दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के पास सरेआम गाड़ी रोकी जाती है। आम आदमी पार्टी कह रही है दिल्ली के हालात चंबल जैसे हो गए हैं। बीजेपी पलटवार कर रही है कि क्राइम रेट के अंदर तो पंजाब सबसे ऊपर है, लिहाजा भगवंत मान इस्तीफा दें। देखिए, इस मुल्क में हो क्या रहा है? अरविंद केजरीवाल और बीजेपी बड़े स्मार्टली लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है कि दोनों लोग मिलकर के अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते हैं। जब प्रश्न अरविंद से पूछो तो बीजेपी की तरफ जो है प्रश्न खड़ा कर देते हैं, जब बीजेपी से प्रश्न पूछो तो अरविंद की तरफ प्रश्न खड़ा कर देते हैं। जवाबदेही इन दोनों लोगों की है। अरविंद को याद दिलाना चाहता हूँ, निर्भया का कांड जिस पे ये बड़े बड़े दावे करते थे, धरना रेस के रूप में इनको एक उपाधि मिली थी, आज क्या हुआ? आज अपराधों पर लगाम क्यों नहीं लग रही? आप रोना रोते हो फुल स्टेट का? अध्यादेश के ऊपर पावर मिनिस्टर आतिशी बोल रही हैं कि लोकतंत्र की अगर हिफाजत करना चाहती है कांग्रेस, संविधान को बचाना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी का अध्यादेश पर साथ दें, नहीं तो ये माना जाएगा कि वो मोदी जी के साथ हैं। अरविंद केजरीवाल संविधान की रक्षा करने वाली जो बात करते, पहले उसका प्रश्न का जवाब दीजिए। वही व्यक्ति है जो संविधान के खिलाफ धरने पर बैठा करते थे, राजपथ पर परेड होती थी, ये धरने पर बैठने की बात किया करते थे, तो ये तो हमें ना सिखाएं। सवाल ये है, जो अरविंद और इनके पूरे नेता उतावले हो रहे हैं, इस पर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी अपना वक्तव्य दिया है, उन्होंने वक्तव्य दिया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का मुखौटा पहन अरविंद जल्दबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से वो कांग्रेस पार्टी से समर्थन चाहते हैं, सच्चाई ये कि कहीं ना कहीं अपने अपराधों को, जिनके प्रति उनकी जवाबदेही है, शायद उनको छुपाने की कोशिश की जा रही है। कभी शीला जी के द्वारा के कार्यों के नाम बदल देते हैं, कभी योजनाओं का नाम बदल देते हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, इस देश की शान और शौकत रहे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के म्यूजियम को बदलते हैं। इस मुल्क में हो क्या रहा है? यही तो हो रहा है, तो और कोई तो नहीं उम्मीद है? नहीं, उन मलिन बस्तियों में सुविधाएं दीजिए, सुख सुविधाएं दीजिए, मुहैया कराइए जिससे कि उनका जीवन सुखमय हो, वो बदले तो कुछ अच्छा लगे जनता को। तो ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तमाम ज्वलंत मुद्दों के ऊपर पार्टी की राय रखते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल निर्वाण के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।